दिनेश जी के हम फील्ड पर आए हुए हैं, तो आज हमने यहाँ पर सब चीज़ें जैसे कॉटन के बारे में बहुत कुछ सीखा, इनसे हमने अनार के बारे में सीखा, हमने चीकू के बारे में सीखा, तो हम इनसे जनरली पूछना चाहते हैं कि आप ही एक हेक्टर में जो आप कपास है वो लगाते हो तो इसके लिए कितने बीज की जरूरत पड़ती है आपको, और आप कैसे लगाते हैं, कौन सी मशीन के द्वारा लगाते हैं, किस विधि से लगाते हैं सर? हमारे यहाँ एक हेक्टेयर में करीब लग जाता है 1200 ग्राम बीज। एक हेक्टेयर में 1200 ग्राम बीज, अच्छा मतलब 1 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगा देते हैं। हाँ, और मशीन से बिजाई करते हैं, मशीन से बिजाई। इसके बाद में अब ये अपनी कॉटन है तो ये कितने महीने की हो गई अपनी? ये हो गई लगभग अब 3 महीने की, लगभग 3 महीने की कॉटन हो गई। तो इसमें हमारे जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के रोग कीट लगते हैं, जैसे अभी आपने दिखाया हमको इसमें मिली वक्त सफ़ेद कीट है वो लग रहा था, बिल्ट डिजीज लग रही थी, सूखा रोग लग रहा था, तो आप इसके लिए क्या किस किस का स्प्रे करेंगे, तो कैसे आप? और वो एक वो आती है अपना लांसर गोल्ड, अधिकतर तो यही डालते हैं कीड़ा लगने के बाद। जैसा इन्होंने सर जी ने बताया था कि जो कॉटन में मिली वक्त लगता है सफ़ेद कीड़ा लगता है, उसके लिए हम कंट्रोल करने के लिए इमिडा क्लोरोप्रिड और लांसर गोल्ड का हम क्या करते हैं, इसमें पानी में उनको मिला करके उनकी जो सर्टेन क्वांटिटी होती है उसको मिला करके हम क्या करते हैं उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। अच्छा, तो सर एक हेक्टेयर से कितनी पैदावार हो जाती है आपको? एक हेक्टेयर से हो जाएगी 12-13 क्विंटल। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें जो ये खरपतवार निराई गुड़ाई कितने टाइम पे करते हो आप? ये हर 15 दिन पे निराई होती है, अब जैसे बारिश का टाइम है 3 महीने से ऊपर हो गई तो अब इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है निराई करने, अब तो बस ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी खुद ही।